नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ग्रो पूंजी में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में, जिसके प्राइस चल रही है 279 और फ्राइडे के दिन इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट 10% की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। दोस्तों कंटिन्यू हमें इस स्टॉक में एक अपट्रेंड देखने को मिल रहा है, जहाँ इस स्टॉक ने सिर्फ और सिर्फ 2 मंथ के अंदर ही 180% के रिटर्न दिए हैं। आप देख सकते हैं कि मार्च और अप्रैल के अंदर चेन्नई पेट्रोलियम स्टॉक ने 180% के रिटर्न दिए हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा रिटर्न दिए हैं चेन्नई पेट्रोलियम स्टॉक ने। दोस्तों साथ ही इस स्टॉक में कुछ न्यूज है, उस न्यूज को जानेंगे और ये जानेंगे कि हमें इस स्टॉक में क्या करना चाहिए और कितना टारगेट हमें देखने को मिल सकता है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक में। एंड सेकेंड नंबर का जो स्टॉक है वो है MRPL, जिसके प्राइस चल रही है 73.75 और इस स्टॉक ने भी फ्राइडे के दिन ऑलमोस्ट 7% की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। दोस्तों इस स्टॉक ने भी 2 मंथ के अंदर 80% के रिटर्न दिए हैं, काफी अच्छे रिटर्न देखने को मिले हमें ये दोनों स्टॉक में। आज की वीडियो में दोनों स्टॉक के बारे में हम डिटेल में जानेंगे और साथ में ये जानने वाले हैं कि हमें MRPL स्टॉक में अभी भी न्यू एंट्री लेनी चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए, इस बारे में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं चेन्नई पेट्रोलियम स्टॉक के बारे में, जिसकी प्राइस चल रही है 279 और इसके बाद हम MRPL स्टॉक के बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों ये दोनों स्टॉक के बारे में डिटेल में जानने से पहले, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और ऐसे ही स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की न्यूज और स्टॉक्स की एनालिसिस करके मैं आपके लेके आता रहूं। दोस्तों हमें इस स्टॉक में कंटिन्यू जो अपट्रेंड देखने को मिला है 2 मंथ में, जहां पर 28 अप्रैल को जो अपडेट आई है चेन्नई पेट्रोलियम को लेकर, वो ये है कि डॉली खन्ना ने 10 लाख क्वांटिटी बाय की है चेन्नई पेट्रोलियम की। किस प्राइस पर बाय की है? 263 प्राइस पर, यानी कि डॉली खन्ना ने 26 करोड़ 30 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है चेन्नई पेट्रोलियम स्टॉक में, जहां हमें इस स्टॉक में अभी ऊपर की तरफ मंथली पर और टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसा कि हमें इसमें जो अपट्रेंड देखने को मिला है कंटिन्यू, इसलिए हो सकता है एक छोटा सा कंसोलिडेशन देखने को मिले, जहां हमें यहां पर देखने को मिला था 21 अप्रैल से लेकर 27 अप्रैल के बीच में जो कंसोलिडेशन देखने को मिला था, हो सकता है सेम ऐसा ही और कंसोलिडेशन देखने को मिले हमें चेन्नई पेट्रोलियम में। लेकिन अगर हम बात करें नेक्स्ट 6 मंथ की, तो दोस्तों नेक्स्ट 6 मंथ और 1 ईयर के अंदर हमें चेन्नई पेट्रोलियम के स्टॉक में 400 और 450 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर आप न्यू एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो परफेक्ट नहीं बैठेगा। ऑलरेडी आपके पास चेन्नई पेट्रोलियम के स्टॉक है तो उन्हें होल्ड करके चल सकते हैं और 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू एंट्री लेने का सोच रहे हैं तो दोस्तों आपका जो SL रहेगा वीकली पर, वो हो जाएगा 190 का और आपको टारगेट जो मिलेंगे वो मिलेंगे 400 के, यानी कि ऑलमोस्ट 1:2 का रेशियो भी नहीं बैठ रहा है। इसलिए आप न्यू एंट्री ना ले, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, बड़ा रिस्क ले सकते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो नहीं करते हैं तो आप इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी है तो दोस्तों होल्ड करके चले, आपको लॉन्ग टर्म में भी इस स्टॉक में और टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक की, जो है MRPL, जिसकी प्राइस चल रही है 73.75 और इस स्टॉक ने भी फ्राइडे के दिन डाउन मार्केट में ऑलमोस्ट 7% की पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। दोस्तों MRPL में जो न्यूज है वो ये है कि MRPL ने 27 अप्रैल से डोर टू डोर डिलीवरी करना स्टार्ट किया है डीजल, जहां PEP फ्यूल्स एक ऐप है जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और मैंगलोर में MRPL ने डोर टू डोर डिलीवरी स्टार्ट की है। और साथ ही दोस्तों हमें इस स्टॉक में 200 EMA पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला था, जहां इसने रिटेस्ट भी किया 61 की प्राइस पर और वहीं से हमें इसमें एक रिवर्सल भी देखने को मिल रहा है। कंटिन्यू हमें MRPL में 4 से 5 वीक से कंटिन्यू अपट्रेंड देखने को मिल रहा है और वीकली पर हमें लास्ट वीक में काफी अच्छा वॉल्यूम भी देखने को मिला है। दोस्तों अगर आपके पास MRPL की स्टॉक है तो आप होल्ड करके चले, आपको इस स्टॉक में 85 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप न्यू एंट्री लेने के बारे में सोच रहे हैं तो दोस्तों आपको 60 की प्राइस का SL मेंटेन करना होगा, क्योंकि 60 की प्राइस से इसने जहां से इसने रिटेस्ट किया था वही आपका SL रहेगा। 60 का SL मेंटेन करके आप इस स्टॉक को होल्ड करें
और न्यू एंट्री लेने का सोच रहे हैं तो दोस्तों आप अपने पर्सनल एडवाइजर से एडवाइस लेके ही इस स्टॉक में एंट्री ले। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।